हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डीसी पावर सप्लाई। इसके लिए हमें चाहिए 7812 आईसी, एक ब्रिज कैपेसिटर, एक एलईडी रेड, एक रेजिस्टेंस, एक ट्रांसफार्मर और एक वीसैन पावर सप्लाई। सबसे पहले हम वीसैन पावर सप्लाई को ही ले लेंगे और एक ट्रांसफार्मर 2PS 2P2S लिया है, इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो हमने कनेक्ट कर दिया है। हम लेंगे एक ब्रश, इसको इसे डायरेक्ट इसको इसे कनेक्ट कर देंगे। इसको थोड़ा ड्रैग कर लेंगे क्योंकि ये सही नहीं लग रहा था। हमने जो एक आईसी लिया है 7812, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करके इसकी V1 को ब्रश के टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसके ब्रिज के सेकेंड टर्मिनल को लेकर इसकी ग्राउंड से जोड़ देंगे। अब इसका जो वी आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट टर्मिनल है, इससे हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू को हम बन के रखते हैं, यानी कि इसको हम कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही हम एक एलईडी लेंगे रेड, जो बताएगा कि पावर सप्लाई सही बना है कि नहीं। इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। हम एक कैपेसिटर लेंगे कि वो कांस्टेंट वोल्टेज दे हमें, तो हम कैपेसिटेंस किधर रखेंगे। इसको रोटेट करेंगे, इसको वी इनपुट से कनेक्ट कर लेंगे और इसको कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल को हम इधर कनेक्ट कर देंगे। हमें ग्राउंड की ज़रूरत है तो हम उसकी ग्राउंड लेंगे कि पावर सप्लाई को ग्राउंड तो मिलना चाहिए। हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू को हम पहले हम उसको ऐसे ही चेक करके देखते हैं। इससे एमुलेट नहीं हो रहा है, हो रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं, इसलिए हम वोल्ट मीटर ले लेंगे एक। डीसी वोल्ट मीटर वो आपको शो करेगा कि हाँ वोल्टेज डीसी में आ रहा है या नहीं। इनको हटा देते हैं, हम इनको फिर से सिमुलेट करते हैं। पहले हमें इधर भी आउटपुट देना होगा 220, डिजाइन यहाँ डिफॉल्ट ही रखा है इसलिए नहीं हो रहा था। 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। हम इसको साउंड करते हैं तो हमारा वोल्टेज आ रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं आ पा रहा है, बढ़ा रहा है घट रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कैपेसिटर है उसका सही से एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। इसमें जो हम इसको फिर से करते हैं, इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर देंगे, इसको 2200 UF कर देंगे माइक्रोफेरेड। और अब देखेंगे हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंटली ही आएगा, देखिए कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, +12 वोल्ट, ना घटेगा अब ना बढ़ेगा, ही रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। थैंक यू।